साथियों, पश्चिम बंगाल में मां माटी मानुष के नाम पर जिनको आपने सत्ता दी, जिनको कम्युनिस्टों के कुशासन से मुक्ति दिलाने का जिम्मा दिया, उन्होंने वही खून खराबे का पॉलिटिकल कल्चर अपना बना लिया है। आज स्थिति है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री तो दीदी है, लेकिन दादागिरी किसी और की चल रही है। शासन टीएमसी के जगाई और मधाई चला रहे हैं। टीएमसी की इस सरकार की तमाम योजनाओं के नाम पर बिचौलियों के अधिकार है, दलालों के अधिकार है। दीदी दिल्ली जाने के लिए परेशान है और बंगाल के गरीब और मध्यम वर्ग को सिंडिकेट के गठबंधन से लूटने के लिए छोड़ दिया है। आप तो सिंडिकेट को बराबर जानते हो ना, सिंडिकेट के जुल्म को भी जानते हो ना। ये सिंडिकेट से मुक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए? साथियों, आप मुझे बताइए कि ये जगाई मधाई का ये गठजोड़ ये अब खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर जो दशकों से चल रहा है, ये खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बंगाल के युवाओं को खून खराबे से आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, यहां पड़ोस में त्रिपुरा नाम का राज्य है, वहां कम्युनिस्टों का झंडा लहरता था। भारतीय जनता पार्टी के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं ने त्रिपुरा के अंदर उस लाल झंडे को गाड़ दिया और वहां सुख शांति का सूरज उगाया, निकल आया। जो त्रिपुरा में हुआ वो बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी होने वाला है। आप सभी के सहयोग से सही मायने में सबका साथ सबका विकास पश्चिम बंगाल में आना वाला है और जगाई मधाई इसका जाना तय है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुंडागिर्दी के इस निजाम से लड़ने के लिए तैयार है।